الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله मालिक किया खुदा ने उसे दो जहान का ऐसा कोई रसूल भी है इज़्ज़ो शान का मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की उस जा जहां न दखल हो फहमो गुमान का तारीफ आपकी न करें हम तो क्या करें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ आपकी न करें हम तो क्या करें ये तो ग़िज़ा है दिल की मज़ा है ज़ुबान का। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन हुसैन इब्ने अली को क्या सहारा दे सके कोई हुसैन इब्ने अली खुद बेसहारों के सहारा है। बुजुर्गाने मिल्लत नौजवानाने उम्मत बिरादराने अहले सुन्नत आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवरे आलम नूरे मुजस्सम शहंशाहे उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुलिल आलमीन ख़ातिमुन्नबीन सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश कर लें। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वअला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश कर लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है और उसके हबीब पाक हमारे आका हुजूर खातिम नबीन सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया हबीब किबरिया हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान और आप का करम है कि हम तौहीद पर क़ायम हैं और तौहीद ही हमारी असल है। अगर हम तौहीद से हट गए तो फिर दोज़ख की तरफ चले गए। इसलिए हम मूर्ति पूजा के खायल नहीं हैं, हम बुतों की परस्तिश नहीं करते, हम असनाम के आगे नहीं झुकते। ये पेशानी है तो अल्लाह के सामने टिकाने के लिए है। अल्लाह को हम वादहु ला शरीक मानते हैं और अल्लाह तबारक व ताला को खदीम मानते हैं। अल्लाह तबारक व ताला को हर चीज़ से बेनियाज मानते हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। ये हमारी तौहीद है, हमारी वहदानियत है, हमारी
वहदत पर अल्लाह की ये हमारा एतबार है। इस एतबार को क़ायम रखने वाली ज़ात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारा कलमा है, अगर कोई इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो उसके लिए शर्त यही है कि वो सबसे पहले इस बात का इकरार ज़बान से भी करे और दिल से भी करे। ज़बान से तो कर लिए गए लेकिन दिल नहीं मानता तो वो फिर मोमिन नहीं होता। वो इकरार है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा कलमा है। इस कलमे से जो भी ज़रा बराबर इन्हराफ करता है उसका इस्लाम से, दीन से, मज़हब से, ईमान से कोई ताल्लुक नहीं रहता। अल्लाह को एक और एकता मानना ज़रूरी है। हर जगह जाके झुक गए और शिर्क को ना समझा, शिर्किया जुलूसों में शरीक हो गए, शिर्किया मुकाम पर जाकर तकरीरा करने लग गए एकजहती के नाम पर, तो हम ऐसी एकजहती नहीं मानते जहां हमारी तौहीद ख़त्म हो जाती है। हम अल्लाह को एक मानते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का महबूब मानते हैं और हम अल्लाह को खालिक मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक मानते हैं और सरकार को ऐसी मखलूक मानते हैं कि सरकार के वैसी मखलूक कोई है नहीं। ये कुछ इम्तियाजात हैं जो हमको तौहीद पर बरकरार रखते हैं। अब आए दिन एक तमाशे हो रहे हैं और शिर्किया जुलूसों, शिर्किया जलसों, शिर्किया प्रोग्रामों में, शिर्किया अड्डों पर कलमा पढ़ने वाले जाकर तारीफें कर रहे हैं तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एलाए कलमतुल हक फरमाया, यानी सरकार ने जब अब ये फरमाया कि अल्लाह वादहु ला शरीक है, अल्लाह एक है, तो उस वक्त काबे के अंदर और काबे के बाहर सैकड़ों बुत थे, काबे के अंदर और काबे के बाहर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम बुत परस्ती नहीं करते, हम असनाम परस्ती नहीं करते, हम इसके मुखालिफ हैं, हम मूर्तियों के आगे अपना सर नहीं झुकाते, ना मूर्तियों को किसी किस्म का कुछ इख्तियार मांगते हैं। सरकार ने जब ये ऐलान फरमाया तो काबे के सहन में भी बुत बैठे हुए थे, काबे के अतराफ भी बुत बैठे हुए थे, काबे के अंदर भी बुत बैठे हुए थे। सरकार ने सारी इंसानियत को आवाज़ दी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूँ लेकिन शर्त यह है कि तुम अल्लाह को एक माने, मूर्ति पूजा से बाज आ जाए और ये बुत परस्ती से बाज आ जाए। सरकार ने यह ऐलान फरमाया और कहा कि ये सारी कायनात का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। कुछ लोगों ने यह कहा ये फुला ये बनाने वाला है, फुला आसमान बनाने वाला है, फुला ज़मीन बनाने वाला है, तुम्हारा सितारे बनाने वाला है, फुला रिज़्क देने वाला है, फुला कपड़े देने वाला है, फुला ताकत वाला है, फुला इल्म वाला है। सरकार ने कहा कोई नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला ही एक है जो सारी कायनात को बनाने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाला भी अल्लाह है और ख़ुद मुझे भी बनाने वाला अल्लाह है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया
कि हम अब बुतों के आगे नहीं झुकेंगे। इसलिए तो हुजूर बहरुल उलूम शम्सुल मुफस्सिरीन इमामुल इस्लाम उस्तादुल असातेजा हुजूर अल्लामा मोहम्मद अब्दुल क़दीर सिद्दीकी हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने अपने अशार में इसको नज़्म फरमाते हुए कहा कि बुतों से छुड़ाया खुदा से मिलाया, बुतों से छुड़ाया खुदा से मिलाया, नबी खुदा हैं हमारे मोहम्मद। इस बात को ये दौर में समझना लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि हम इत्तेहाद के नाम पर, एकजहती के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, और कभी खौफ के नाम पर, कभी डर के नाम पर, हम इस्लाम की उन उसूलों से गुरेज करते जा रहे हैं। ऐसे में एक बात पल्ले बांध कर रखिए कि हमारे पास अगर मुसलमानों के पास कोई चीज़ अजीज़ है, माँ बाप से भी ज़्यादा, औलाद से भी ज़्यादा, जायदाद और माल से भी ज़्यादा, बैंक बैलेंस से भी ज़्यादा, बंगलों और कार से भी ज़्यादा, ओहदों से भी ज़्यादा, मर्तबों से भी ज़्यादा, शोहरत से भी ज़्यादा, और अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा अजीज़ है कोई चीज़ जान से भी ज़्यादा, तो वो ईमान है। और ईमान नाम है तौहीद और रिसालत का। अगर ईमान नहीं है तो ये तो हो सकता है कि हम जान ईमान पे कुर्बान कर दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ईमान को जान पे कुर्बान कर दे। तो ईमान की हिफाजत ज़रूरी है, और ऐसे माहौल में जबकि आम तौर पे बुत परस्ती की जा रही है, वैसे में कलमा पढ़कर, नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर, दीनी मदरसे कायम करके मुसलमानों की हमदर्दी के नाम पर या मुसलमानों का भलाई और फलाह के नाम पर किसी शिरकिया अड्डे पर जाना, किसी शिरकिया मुकाम पर जाना, किसी शिरकिया जलसे में शरीक होना, किसी जलसिया जुलसों में जाना, वहाँ नाचना, यह इस्लाम से खारिज कर देता है। और हर अल्लाह को हम एक मानते हैं, सरकार ने हमें यह तालीम अता फरमाई है। अगर ये तालीम हमसे छुड़ जाती है तो फिर हम ना रसूलुल्लाह के रहते हैं ना अल्लाह के रहते हैं। इसलिए सूफिया इकराम हमेशा अपनी खानकाहों में ये कलमे तैयबा का विर्द करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसको मुख्तलिफ शक्लों में बताते हैं कि किस किस अंदाज से ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना चाहिए। एक ज़रबी है, दो ज़रबी है, से ज़रबी है, चार ज़रबी है, तो ला इलाहा का इतना विर्द करो कि दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह समा जाए और हमारा रुआ रुआ कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये सदका है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। इसलिए हम सारे चीज़ों की, सिर्फ माबूदों की नहीं, सूफिया के पास तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, ला मशहूदल्लाह भी है, सब सूफिया के पास ला मौजूदा इल्लल्लाह है सूफिया के पास। आप सूफियों के पास आए नहीं और सूफियों का नाम लेकर शिरकिया जुलूसों में जा रहे, अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह। हमारे पास जब हम ला इलाहा कहते हैं तो सारी कायनात की नफी करते हैं और अल्लाह का इज़बात करते हैं। इसलिए खबरदार हो जाइए, ये छुड़ भैया जिनको इल्म की भूत तकने लगी, इल्म मिलता है अल्लाह वालों के पास, वो बताते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या हकीकत है। इसलिए तो उन्होंने कहा कि वहदत अलग है, अहदियत अलग है, वहदानियत अलग है।
इस बात को समझाना छोड़ दिए, कॉम्प्रोमाइज इत्तेहाद एकजहती के नाम पर अब इतना हो गया कि हम शिर्किया चीज़ों की तारीफ करने लग गए। इसे बचाना हमारा फरीजा है, इसलिए हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, क्योंकि हम खानकाही निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और हमारे पीर ने हमको यही सिखाया है कि इतना ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो कि तुम्हारे वजूद में ला इलाहा इल्लल्लाह समा जाए। ये बातों से आज मुसलमानों को बचाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की क्या अहमियत है, ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो। आज खाली जरी सरी बातों पे घबरा के, मुसीबतों से घबरा के और लोगों के ताल्लुकात बिगड़ने से घबरा के, रिश्तेदारियों से घबरा के, पैसे से घबरा के और इफ़लास आ जाने के डर से घबरा के हम कॉम्प्रोमाइज़ की बातें कर रहे हैं। तौहीद और रिसालत चले जाती है, ईमान चला जाता है तो कोई परवाह नहीं किए रहे हैं, लेकिन हमें ये दर्श मिलता है तो सहाबा की ज़िंदगी से मिलता है कि जब सरकार आलम हुजूर खत्मी मर्तबत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह वादहु ला शरीक है और ये बुत परस्ती हमारे पास नहीं मानी जाती और ये बुत परस्ती नहीं करना है, हमारा सर झुकेगा तो अल्लाह तबारक ताला के दरबार में झुकूंगा। जब सरकार ने ऐलान फरमाया तो सारे मक्के वाले सरकार के खिलाफ हो गए और सरकार ने उनको समझाने की कोशिश की, सारे मक्के वाले सरकार के खिलाफ हो गए। काबे में बुत बैठे हुए हैं, बरसों से वो बुत परस्ती करते आ रहे हैं, सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब बुत परस्ती नहीं होगी। सारी मुखालिफतें सैलाब की तरफ की तरह आने लगी, सरकार ने परवाह की, सरकार तो सरकार है, नजर उठा दे, जब सरकार पैदा हुए तो पूरे बुत गिर गए थे, तो सरकार तो बुतों को गिराने आए और तुम्हें के बुतों को उठा रहे हैं, क्या मुसलमानी है? वाह 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 वाह। सरकार ने जब ऐलान किया तो कौन आए सामने? ये गरीब गरीब गुलाम कनीज़े मुसलमान हुई पहले, लेकिन उनकी हालत क्या थी कि इसी बात पर कि तुमने बुतों को छोड़ दिया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थाम लिया, लिहाजा तुम बुतों को सजदा करने वाले हो जाओ। तो सहाबा इकराम जिनके पास माल भी नहीं था, जो खुद किसी के मुलाजिम थे, गुलाम थे, ऐसी जिंदगी गुजारते थे कि जानवर से बदतर जिंदगी वो मालिक इनसे करवाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनको अंगारों पर लिटाया जाता था, गरम रेतों पर घसीटा जाता था, गरम गरम पत्थर सीने पर रखे जाते थे, सारे गरम रेत में घसीटा जाता था, कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं होता था जहां जख्म नहीं होता था, ऐसे आलम में कई कई दिन भूखा प्यासा रखा जाता था और रेत में घसीटा जाता था, कोड़े मारे जाते थे, आजा को बुरीदा किया जाता था, जख्मों पे जख्म दिए जाते थे, ऐसे आलम में फिर कहते थे अभी तुम्हें राहत मिल जाएगी, अभी तुम्हें सुकून मिल जाएगा, तुमको हर मुसीबत से आज़ादी मिल जाएगी। एक मर्तबा कह दो हम मुस्तफ़ा को छोड़ रहे हैं, बुतों की पूजा करेंगे। तो वो ऐसे आलम में सहाबा इकराम ऐसी मुश्किल में अहद अहद का नारा लगाते थे। तो भाई इस पर भी गौर करो, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत खुबैब, हज़रत यासर, सहाबा इकराम को याद करो, सहाबा का कितना बड़ा एहसान है। आज तफ़ज़ीलिया कह के सहाबा की अगर एहानत करते हैं, अगर सहाबा के मुखालिफिन कुछ कहते हैं तो तुमको मालूम ही नहीं है,
इस्लाम पहुंचा है तो सहाबा के जरिए से पहुंचा है हमको यहां तक। ये एहसान है सहाबा इकराम का, उन्होंने मार खाई, उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अनु को उमिया बिन खल्फ इतना मारता था, एक दिन ऐसा हुआ कई दिनों से उसने आपको पानी तक नहीं पीने दिया और कोड़ों पे कोड़े मारा, फिर वहां से अपने मुकाम से घसीटता हुआ जख्मों में चू रहे हजरत बिलाल, मैं माफी चाहता हूँ, मिजाज ठीक नहीं होने से, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मों से चू रहे और खून रिस रहा है, घसीटता हुआ लाया, बच्चों को पीछे लगाया, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, ऐसे में लाकर घसीटते हुए एक बुत के आगे आपको डाल दिया, कहने लगा बिलाल अब भी मान जाओ हम तुमको छोड़ देंगे, अब बुत का सजदा करो। तो हजरत बिलाल ने क्या किया आप सोच नहीं सकते, आज तक कुछ नहीं है ना यार, दो वक्त की रोटी मिल रही है, दुनिया के पीछे पड़े हुए हो, दुनिया के लालचियों के पीछे जा रहे हो, अरे कुछ तो हया और शर्म करो, कुछ तो इस्लाम और ईमान की हिफाजत के जतन करो, कुछ तो समझो कब तक दुनिया के पीछे भागते रहेंगे, ये दुनिया कुछ देने वाली नहीं है, दुनिया मुसीबतों का घर है, अगर दुनिया को बेहतर बनाना है आ जाओ रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ। ऐसी हालत में के जिस्म के हर हिस्से से खून रिस रहा है, तपती हुई रेत में घसीट के लाया गया है, तकलीफें नाकाबिले बयान है, बुत के आगे लाके डाल दिया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को, कहने लगा अभी भी बच सकते हो बिलाल, ये सारी तकलीफें दूर हो सकती है, तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो, तौहीद का नारा छोड़ दो, या अल्लाह कहना छोड़ दो, अल्लाह की वहदानियत मानना छोड़ दो, अल्लाह की अहदियत मानना छोड़ दो, अल्लाह को एक एकता मानना छोड़ दो, अभी तुम्हें आज़ादी नसीब हो जाती है। तो हजरत बिलाल ने क्या किया ऐसी आलम में, तसव्वुर में लाइए, वैसे आलम में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, आज यही तो हिंदुस्तान में हो रहा ना, कुछ नहीं है, खाली माल जाने के खौफ में, खाली जान जाने के खौफ में, नौकरी जाने के खौफ में, दोस्ती जाने के खौफ में, सोसाइटी जाने के खौफ में, एक दूसरे से रابطے टूटने के खौफ में, हम क्या क्या की बना दे रहे हैं, और शिरकिया जुलूसों शिरकिया मुकामों पर चले जा रहे हैं, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान देने वालों को मैं कहता हूँ कि राह रात पर आ जाओ, तौबा करो, वरना तुम्हारी मौत ईमान पर नहीं होगी, चले जाओगे बारह के भाव में। तुम बुतों को कह रहे हो, बुतों के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, बुतों से इमदाद ले रहे हो और कह रहे हो शर्म नहीं आती, कलमा क्यों पढ़ा, तेरी जरूरत थी कलमा पढ़ने की, तू कौन कलमा पढ़ने वाला, कलमा पढ़ता तो किसी सूफी के कदम को पकड़ के पढ़ता तो तेरे मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती, शर्म करो शर्म करो, तौहीद को बिगाड़ कर फिर भी अपना मुसलमान होने का दावा करना निहायत ही जिल्लत की बात है, दोजख में जाना है, अभी भी होशियार हो जाओ। ऐसे आलम में हजरत बिलाल जख्मों से चूर है, जख्म से खून निकल रहा है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, पानी का घूंट नहीं पिया है, उसके बाद आपने क्या किया, सुनने की ताब है तो सुनो, ईमान की हरारत पैदा हो जाएगी, ईमान को बुलंदी नसीब हो जाएगी, हकीकत में कलमे का मजा आ जाएगा और समझ में आएगा कि ईमान क्या चीज होती है। ऐसे हालत में भी हजरत बिलाल ने उठकर उस बुत पर थूक दिया, तुम ये जी सहाबा के किरदार को देखो, ऐसे आलम में जबकि उनके साथ माहौल ही नहीं है,
तुम्हारे साथ तो माहौल है, फिर भी जाके हाथा जोड़ रहे अस्तगफिरुल्लाह माजल्लाह, फिर भी जाके कह रहे उनसे अस्तगफिरुल्लाह माजल्लाह। मैं बयान नहीं कर सकता, इतना शिर्क हो रहा है, इतना शिर्क फैल चुका है। अल्लाह इस सियासत को, ऐसी सियासत को गारत करे। इसलिए तो इकबाल ने कहा था ना कि जब सियासत मजहब से जुदा हो जाती है तो रह जाती है चंगेजी। ये मजहब के दायरे में रहकर सियासत करो तो जब तुम्हें अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। तुम अभी मजहब को समझे नहीं, इस्लाम को समझ रहे हैं कि महलों में रहकर इस्लाम हम जाएंगे, अच्छा खा खा के पी पी के इस्लाम की खिदमत करेंगे। इस्लाम कभी भी यह मुतालबा नहीं किया है। इस्लाम की खिदमत करने वाले हमेशा मुसीबतों का सामना किया है, अल्लाह उनको फतह नुसरत दिया। हाँ, हिंदुस्तान के बुजुर्गों के हालात पढ़ो, खाली सरकार हुजूर गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु के हालात पढ़ो। आज बारगाह में गरीब नवाज के ठहर के पैसे मांगना अलग है, अपने आप को खादिम बोलना अलग है, और इस्लाम के फैलाने में मुसीबत उठाना अलग है। ये आजकल के दरगाह वालों का पर बिना, इन्हों तो एक जहती के नाम पर सबको लाओ पैसा दो पैसा दो। ये पैसे के पुजारी क्या तौहीद समझेंगे? तौहीद तो काजे काजगा आता है रसूल, हिंदल वली वारिसुन नबी। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला ने बताया कि इतनी मुसीबत के ऊंट के बैठने का भी जगह नहीं दी गई, लेकिन आपने कलमा नहीं बदला, नो कॉम्प्रोमाइज की बात की और यह बता दिया इसी धरती पर बैठकर यहीं के बुतों को देखकर सरकार गरीब नवाज ने बता दिया, ऐसे 90 लाख लोगों को इस्लाम से वाबस्ता कर दिया जो इस्लाम से नाशना थे। किसको डरा रहे हैं? तौहीद के मतवाले बनो, तौहीद की मस्ती में दिन रात रहा करना। ये सरकार बहरूम फरमाते हैं कि तौहीद की मस्ती में दिन रात रहा करना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम है। इन्हों जाके सड़े सियासतदान जाके जो है ना उसको बोल रहे अस्तगफिरुल्लाह माजल्लाह बुत को। ईमान तेरा तेरा, अगर तू अच्छे काम भी किया तो चले गया तेरा, कुछ भी नहीं काम आएगा, ना नमाज काम आएगी ना रोज़ा। अगर तू सरकार की शान में गुस्ताख को जवाब दिया है तो वो भी रायगा चले गया। सुन ले मेरी बात, यहां ये नहीं देखेंगे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं देखेंगे कि मेरे गुस्ताख को जवाब दिया, ये देखेंगे कि मैंने जिस चीज से रोका पुतों से, तू जाके उनके सामने ठहरा। और मैं आपको इसमें एक वाकया सुनाता हूं, आप सुनने को नहीं मिलेगा। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे, सरकार के चचा हैं, सैयदुल शहदा असद रसूलुल्लाह असदुल्लाह अमीर हमजा, बड़ी शान है, हमारी जान उन पर कुर्बान है हजरत अमीर हमजा। मगर जब ईमान नहीं लाए थे, एक मरतबा शिकार से वापिस आए, किसी ने बताया कि ये अबू जहल बदबख्त लईन मलून सरकार पे हमला किया, सरकार को कुछ जख्म आया। ये सुनना था कि भतीजे की मोहब्बत में चले, बड़ा दबदबा था अरब में हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का। अबू जहल को क्या मानते हैं उन्होंने, अबू जहल के पास उन्हें काबे के सामने बैठा हुआ था, जाके पूछे क्यों मेरे भतीजे के साथ बदतमीजी किया, कमान लिया सर पे मारा। अबू जहल कैसे माहौल में, तुमको तो माहौल है ना यार, कैसा माहौल है, पूरा पूरा कुफ्रिस्तान है, बड़े बड़े नाम पर बड़े बड़े तुजार बड़े बड़े पैसे वाले सरकार के मुखालिफ हैं। ऐसे में हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मारा उस पर कमान, जब मारा तो उसका सर फट गया, जब सर फट गया तो उसके कुछ लोग उठे, लेकिन उसने बिठा दिया कि अगर यहां झगड़ा शुरू होगा
तो फिर हाशमी भी आ जाएंगे, एक बड़ा खसिया हो जाएगा, खामोश बैठ गया अबू जहल, और उसको मार के आगे हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश किया, सरकार वहीं काबे के सामने इबादत कर रहे थे, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, हजरत अमीर हमजा अभी ईमान नहीं लाए, हाजिर हुए, सरकार से कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तुम्हारे दुश्मन से इंतकाम ले लिया है। सरकार ने पलट के भी नहीं देखा, तो वो जो चाहता हूं मैं आप। सरकार अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले जा रहे हैं कि मैंने आपके दुश्मन से इंतकाम ले लिया है, अबू जहल को मारा है, उसके सर को फाड़ा है। सरकार तवज्जो नहीं करे, आखिर में कहने लगे ए भतीजे क्या बात है, मैंने तुम्हारी खुशी का सामान किया, मैं तुम्हारे दुश्मन को मारा और तुम मुझको नजर भर के भी नहीं देख रहे हो, नजर उठाकर भी नहीं देख रहे हो। सरकार के पलट कर कहा चचा जान इससे खुश होने वाला नहीं हूं, आप ईमान ला लीजिए। सरकार की खुशी अल्लाह को एक मानने में है, अल्लाह की वहदानियत तो वहदत में है, अल्लाह को एक एकता मानने में है, जाके बुतों के पास बैठ के एक जहती का पैगाम देने में नहीं है। इस्लाम में रहना है तो हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, डर डर के जिंदगी गुजारना नहीं है, शेर की एक दिन की जिंदगी काफी है। ये तसव्वुर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये अहले सुन्नतुल जमात ही बता सकते हैं। हाँ, वरना अच्छे अच्छे ये पूरे जितने वहाबी लाबी है ना, इन अल्लाह को भी नहीं मानते, ये पूरी जितने बातिल फिरके हैं ना, इन अल्लाह को भी नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह को मानने वाले कौसो आजम गरीब नवाज के मानने वाले ही अल्लाह को मानते हैं। ये सूफियों ने बताया, इसलिए सूफियों की खानकाह में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द होता है, या हय्यू या कय्यूम का विर्द होता है, अल्लाहु अल्लाह होता है, फिर उसके बाद हु होता है। कहां समझे इन बातों को, या आखिर हु का नारा क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूफी जो देखता है ना, सारी कायनात तो उसी को देखता है, इसलिए कहता हु हु का जो नारा आखिर में लगाते हैं सूफिया खान खान। तो तौहीद खानखाहों में मिलती है, लेकिन आजकल ये मुजावरीन, आजकल ये नाम निहाद मुर्शिदीन, आजकल ये नाम निहाद सूफिया खानखाह को बदनाम करके हमारे पास सो बातें, मगर सो बातें हैं, लेकिन सबको काजा रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाते हैं। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है जब इसकी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया तो बड़ी मुसीबतों से सहाबा इकराम को गुजरना पड़ा। मक्के की सारी जिंदगी आपके सामने है, कितनी तकलीफें उठाई मक्के में। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हद से ज्यादा जुल्म बढ़ा तो सरकार ने यह नहीं कहा कि कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, चलो कुछ झुक जाएंगे, कुछ प्रार्थनाएं कर लेंगे, कुछ थोड़ी नमाज भी पढ़ लेंगे, थोड़ा ये भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे। सरकार ने कहा नहीं, हम भूखे हो जाएंगे, हम बीवी बच्चों को छोड़ देंगे, जायदाद को छोड़ देंगे, माल को छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, लेकिन बुतों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, ना उनके करीब जाएंगे। इसलिए शिरकिया जुलूसों में जाना मना है, नाजायज है, हराम है, शिरकिया मुकाम पे जाना हराम है। सुन लो, खुली बात कर रहा हूं मैं, ये हमारा इस्लामी कानून है, ये हमारा इस्लामी तरीका है। इसको अगर कोई सूफिया के नाम पर, मुर्शिदीन के नाम पर, मशायखीन के नाम पे कुछ कहता है तो मैं बात करने को तैयार हूं। आप बात कर, कौसा सूफी आता, कौसा मशायक आता, कौसा मुर्शिद आता, बात कर मेरे से। हम रसूल पाक आसम की शरीयत नहीं छोड़ सकते, हम तुमको छोड़ सकते हैं लेकिन रसूल का कलमा नहीं छोड़ सकते।
ये बातें बना बना कर तावीलात करके लोगों के जहनों को खराब करके मुशरिकाना अंदाज अख्तियार कर रहे हैं, इसलिए हर जगह शिकिश खा रहे हैं। सहाबा तौहीद पे कायम थे, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये है, जहां जाते थे अल्लाह की वहदानियत की बात करते थे, अहदियत की बात करते थे, इसलिए कामयाबी मिलती थी। सरकार की मर्जी यही है, सरकार यही चाहते हैं कि हर कोई मुवहिद हो मगर निरा मुवहिद न हो, सरकार का गुलाम हो। सरकार की गुलामी में आके तौहीद का नारा लगाए, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहले रसूल को मानना है, फिर तौहीद बरकरार रहती है। सरकार को छोड़ के तौहीद को ही हासिल कर ही नहीं सकता, इसलिए सरकार ही ने तौहीद सिखाई है। और आज हमें घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने रास्ता बता दिया। जब मक्के में हद से ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती होने लगी, सरकार ने सहाबा को हिजरत का हुक्म दिया, हबशा भेजो, मगर तौहीद को बिगड़ने नहीं दिया। जब हद से ज़्यादा जुल्म होने लगा तो फिर अल्लाह का हुक्म ही आ गया, सरकार ने मक्का छोड़ा, मदीने तैयबा में ख़याम फरमाया। तो किस लिए? मक्के में क्या हो रहा था? यही तो तंग किया जा रहा था कि बुतों के आगे झुको, बुतों के प्रोग्रामों में शरीक रहो, बुतों को जो है सजदे करो, बुतों को मानो, शिरकिया जुलूसों में शरीक रहो, शिरकिया जुलूसों में जाके नाचो गाओ, यही तो बोल रहे थे काफिर। सरकार ने कहा हम ये नहीं कर सकते हैं, हम मक्का छोड़ सकते हैं लेकिन तौहीद इलाही नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों के बात? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मैं आपको ना समझा सकूं, क्योंकि तौहीद बहुत बड़ा नाजुक मसला है, ये हर कोई नहीं समझा सकता। ये तौहीद का मसला सिर्फ पक्के सच्चे सूफिया समझा सकते हैं। ये जो नमाज नहीं पढ़ते, इन्हें रोजा नहीं रहते, ये जो है ना अपने आप को सजदा कराने वाले सूफिया, ये नहीं समझा सकते। सजदा तो अल्लाह ही को होता है, इसलिए सरकार ने हिजरत का हुक्म दिया। और खुद सरकार बनफ्से नफीस भी हिजरत फरमाई। क्यों फरमाई? सरकार को जरूरत नहीं थी, नजर डालते पूरे बुत जमीन में धस जाते। आपने सुराखा को नहीं देखा कि पीछा करने के लिए आए, जमीन में धस गए? नहीं धस गए, लेकिन सरकार ने हमारे लिए अपनी सुन्नत को छोड़ा है। जब ऐसा मामला आ जाए तो तुम तौहीद के दामन को नहीं छोड़ना, जान दे देना। इसलिए सहाबा ने मक्के में अपनी तिजारत को छोड़ा, अपनी जायदाद को छोड़ा, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने माल को छोड़ा, मता को छोड़ा, इज्जत को छोड़ा, शोहरत को छोड़ा, रिश्तेदारी को छोड़ा, ताल्लुकात को छोड़ा, दोस्ती को छोड़ा, हर चीज छोड़ के सरकार के खदमों से लिपट कर मदीने तैयबा में आ गए तौहीद की हिफाजत के लिए। तो तौहीद इतनी अजीज चीज है हमारे लिए, अगर यही बिगड़ जाए तो फिर हमारे को दुनिया नहीं चाहिए, हमारे को जायदाद नहीं चाहिए, हमारे को मालो जर नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो रसूल पाक की गुलामी चाहिए। और सरकार ने हमको सिखाया है कि मुझे भी मानो और मेरे कहने से अल्लाह को मानो। अल्लाह ने खुद कहा कुल वल्लाहु अहद, खुल कहने से रिसालत की बात आ गई। अल्लाह क्यों नहीं बोला मैं एक हूं? अल्लाह ने कहा है भी बाप कहो, यही रिसालत को मानना है। और बहुत सारे लोग रिसालत को हटा के अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह इसको भी नहीं मानता। अल्लाह बोलता पहले मेरे हबीब को मान, खुल खुल अल्लाह अहद, हबीब आप कहो। जब आप कहेंगे, जब ये मानेंगे तो मैं इनकी तौहीद को कबूल करूंगा। जब आपको मानेंगे तो फिर मेरा मानना दुरुस्त हो जाएगा। जब आपको नहीं मानेंगे
तो लाख अल्लाह 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 बोलो, कुछ रोने वाला नहीं है। सरकार को मानना जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं कि गुस्ताख रसूल का हम मुकाबला करेंगे और उसको कानून सजा दे लाएंगे, बताएंगे जमाने को कि इसके कानून चिटरे चिटरे कर दे। ये हम कानून से मुतालिबा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कानून सजा दो जितने गुस्ताखाने रसूल है। और हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ईमान जान से बढ़कर है। हम जान दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। ये जुमला याद रख लीजिए आप, जान ईमान पे कुर्बान हो सकती है, ईमान जान पे कुर्बान नहीं होता। इसलिए ईमान की हिफाजत के लिए हम जान देंगे, और ईमान नाम है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार से कहा, अलम तरा कैफा फाला रब्बू का भी असाबिल फील। ए हबीब, आपने नहीं देखा? सरकार अभी जलवा फरमाने हुए सब देख रहे थे। इसलिए हम कहते हैं सरकार के इल्म गायब है। देख लो, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? कैफा फाला रब्बू का भी असाबिल फील, कि असाबे फील के साथ क्या हुआ। आए थे काबे को ढाने के लिए, तौहीद के मरकज को ढाने के लिए, हाथियों की फौज लेकर आए थे, क्या कुछ कर सके? इसलिए अल्लाह ने कहा, अलम तरा कैफा फाला रब्बू का भी असाबिल फील, कि आपके रब ने क्या किया उनके साथ। क्या आपने ये नहीं देखा? हर असाब फील के साथ यही करिएगा, हर हाथियों वालों के साथ। अब हाथियों वालों से डरो ना को आप, हर हाथी के साथ यही छोंगा। अल्लाह कह रहा लालम तरा कैफा फाला रब्बू का भी असाब फील, कि हमने कैसा किया हाथियों वालों के साथ, उनका नामो निशान भी नहीं रखा, और कैसा करा। मामली अबाबील, छोटा परिंदा, उसके चोंच में कंकरीज की थी। बोलो आप, उसकी चोंच में कंकरीज की थी। अबाबील कंकरियां लेकर आए और बरसाया तो सवार के साथ हाथी तक दस गया। एक मतलब दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आला आलिह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि भाई हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारे को शिर्क से बचना है, शिर्क के मुकामात से बचना है, शिर्क के जुलूसों से बचना है, शिर्क के तरीक़ों से बचना है, और कहीं बेखबरी में शिर्क ना हो जाए अल्लाह से दुआ भी करना, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सरकार के सदक़े में इन बातों को समझना ज़रूरी है। कुछ समझाने की मैंने कोशिश की है, अल्लाह मेरी बात आपके दिल में उतर जाए तो बेहतर है। कि आज माहौल बड़ा परागंदा हो रहा है, हमको जान से डराया जा रहा है। हमको जान से नहीं डरना है, हमको ईमान की हिफाजत करना है। लिहाजा हम मुसलमान हैं, हमारा सारी दुनिया में हम फैले हुए हैं, हमको कोई गम की बात नहीं है। इसलिए कोई डरना नहीं है और घबराना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुव्वत वाला है, ताकत वाला है। अगर हम अल्लाह और रसूल के दामन को थाम कर रहेंगे तो अल्लाह ज़रूर हमारी मदद फरमाए। और अल्लाह से की तरफ तवज्जो रखना है, ये जाके शिर्किया मुकामों पर उनसे मांगना, फिर कलमा पढ़ना, ये सब शिर्की आमाल हैं। और आदमी ईमान से चला जाता है, एक मोमिन मोमिन नहीं रहता। इसकी हिफाजत हमारे लिए असल मकसूद है। आपसे हमारी यही ख्वाहिश है कि आप ऐसी चीज़ों से परहेज़ फरमाएं और अपने दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत दायम और क़ायम रखें, और इन चीज़ों की हिफाजत करें। अपने घर वालों को भी ये तालीम दें, और अपने रिश्तेदारों को, मिलने झुलने वालों को भी ये तालीम दे, सरकार का दामन छूटने ना पाए। और हम
सरकार के गुस्ताखों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये आप तय कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह और रसूल जो चाहे कर सकते हैं, इसलिए आपसे मेरी ख्वाहिश यही है कि आप हर इतवार को तशरीफ़ लाते रहिए। अब चूँकि आइंदा महीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक का महीना है, तो कुलीन मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत हर साल जो है ना, जो जलसा मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करती है, मरकज़ी जलसा होता है, और एक रबी अव्वल से 12 रबी अव्वल तक मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मुनक़िद होते हैं, वो तो आप बाखूबी जानते हैं। उससे पहले मीलाद पाक की खुशी में, चूँकि अब के 39वां मरकज़ी जलसे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद होगा, उस खुशी में हम हर साल की तरह, आज 39 साल से हर साल की तरह, इस साल भी मीलाद इनामी मुकाबले जात तुलबा और तालबात लड़के लड़कियों के लिए मुनक़िद कर रहे हैं। तो ये मुकाबले होंगे क़िरत कलाम पाक, हुस्न नात पाक और तकरीरी मुकाबले। तो मीलाद क़िरत कलाम पाक का मुकाबला 11 सितंबर आइंदा इतवार को बच्चों के लिए, तुलबा के लिए इसी मुकाम पर जामे अफजलगंज में होगा, बच्चियों के लिए, तालिबात के लिए शाहजहाँ फंक्शन हॉल अंदरून तालाब कट्टा मीर जुमला में होगा, और बच्चों का जो मुकाबला सुबह 10 बजे होगा, बच्चियों का 2 बजे दिन होगा शाहजहाँ फंक्शन हॉल। और नात का मुकाबला 18 सितंबर को होगा, बच्चों के लिए यही होगा सुबह 10 बजे, और बच्चियों के लिए शाह फंक्शन हॉल में होगा 2 बजे दिन। तकरीरी मुकाबला होगा बच्चों के लिए यहीं पर 25 सितंबर इतवार 10 बजे सुबह होगा बच्चों के लिए, तलबा के लिए, और बच्चों और तालिबात के लिए जहाँ फंक्शन हॉल में होगा। और तकरीरी मुकाबले का उन्वान है मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें। ये हैंडबिल हैं, आप ले जा सकते हैं अपने महल्ले के मदरसों में और स्कूलों में, जो मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल हैं वहाँ पर आप ये हैंडविल दीजिए, ताकि वो अपने बच्चों को हमारे इस मुकाबले में शरीक कर सकें। और बच्चों की जो शरीक होने वालों की है, जो मुकाबले में हिस्सा लेने वालों की उम्र होगी 12 तक 18 साल के उम्र के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, और कोई फीस वगैरह या कोई मुतालबा नहीं है, सिर्फ उम्र का है 12 से 18 साल। और जो इनाम अव्वल, इनाम दुआम, इनाम सुवम हासिल करेंगे उनको मरकज़ी जलसे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर असनाद और इनामात तकसीम किए जाएंगे। और इसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप अपने फ़ोन पर इन नंबरात पर रब पैदा करके अपने नाम लिखवा सकते हैं बच्चे बच्चियाँ, और दीगर भी लोगों को ये तफसीलात बता सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप हजरात इसमें हमारा ताउन फरमाएंगे। आइंदा क़िरत कलाम पाक का मुकाबला होगा, 12 साल से 18 साल के बच्चे बच्चियाँ हिस्सा ले सकते हैं, बच्चे तुलबा के लिए इसी मुकाम जामे अफजलगंज में सुबह 10 बजे होगा, और 11 सितंबर को सुबह 2 बजे दिन बच्चियों के लिए शाह फंक्शन हॉल अंदरून तालाब कट्टा मीर जुमला में क़िरत का मुकाबला होगा। दीगर तफसीलात के लिए आप ये हैंडबिल हासिल करके मालूमात हासिल करते हैं, और इन कन्वीनरों के नंबर है उनको आप जो है इत्तला दे सकते हैं। शुक्रिया, खड़े हो जाइए। सलातुस्सलाम।